फजल रहमान साहब की बात की तो वो जिस तरह उन्होंने लड़कियों के को तितलिया कहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? यार देखें, मौलाना कहते हैं इसको, मौलाना है, मुझे बताओ मौलाना, अगर आपने कोर्स पढ़ा हो मुफ्ती का, तो किस जगह पे लड़की को तोहीन अमेज अल्फाज से उनको बुलाओ, पुकारो, ये क्या तितलिया और ये वो यूथ, ये आपको जेब नहीं देता। अगर देखो इस्लाम में कि अगर बड़े को कोई दो गालियाँ भी देना तो सर नीचे करके चला जाए, ये बेशरम हो के लोग इसको गालियाँ देते नहीं है कम, ये आगे से और लोगों को गालियाँ। अब देखें इससे औरतों को क्या पैगाम गया होगा इस मुल्क का, इस मुल्क के को छोड़ो, आप तो लीडर हो यार, आपके तो इतने फैन फॉलोइंग्स है, बाहर मुल्क में आपको लोग देखते होंगे, आपके बाहर मुल्क के ममालिक के लीडर्स देखते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि आपकी ये औकात है, तितलियाँ कहते हो, बेशरम हो के आप आज कौम में निकलो डीजल, वैसे भी तुम डीजल हो, हम तुम्हें आग लगाएंगे, बेशरम। तू मुफ्तियों का नाम बदनाम कर रहे है, तू मौलाना का नाम बदनाम कर रहा है, ये सियासत पे भी हमारे सियासत पे हमारे मुफ्ती मौलाना जितने भी तबलीगी हजरात है सब पे एक दब्बा है। मैं सबको पैगाम देता हूँ कि इसको रिजेक्ट करें, इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएं और इसको इस या तो सियासत करने दे, ये इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद की सियासत कर रहा है। मैं आपको बस सिंपल ये ख़त्म कर दूँ यहाँ पर।